अरे इस पे तो किसी का पता भी नहीं लिखा है, कौन लाया इसे? मुझे नहीं पता दादा, मैं तो कचरा का डब्बा बाहर रखने गया तो ये सामने पड़ा हुआ था बाहर। ठीक है तुम जाओ। प्रेम कविताएं, उसके लिए जिसे प्यार करने के लिए एक जिंदगी है कम। मेरे अंशुमन, तुम चाहे पास रहना या दूर रहना, बस प्यार हमें करते रहना। चाहे दो कितने भी आंसू, अब सब गम है हंसके सहना। विष्णु, विष्णु, विष्णु जी दादा। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने देखा किसी को? कौन रखकर गया इसे वहां पर? जी नहीं दादा, मैंने किसी को नहीं आते जाते देखा, बस ये बाहर पड़ा था मैं ले आया। ठीक है जाओ तुम। जी होगी जरूर, ये वही पागल लड़की होगी। अरे अरे कलम घिसने और किताब लिखने में फर्क होता है, ये कौन समझा इन्हें? हर कोई अपने आप को लेखक ही समझता है, जैसे जैसे बच्चों को कोई खेल हो। कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? कौन है? अंशुमन मेरा प्यार, सब कॉफी आज आपने मांगी नहीं फिर भी मैं ले आई। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप पी लेना। सब खाने में क्या बनाऊं? डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे आज इनको क्या हो गया? Thank you.
दिखाई नहीं देता तुम्हें, किताब खराब कर दी मेरी। वो साहब गलती से लग गया था। गलती जोर से, और मेरे सामने दोबारा बताना ना तुम्हें कविताओं की समझ, ना तुम्हें प्यार की। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। प्यार की बात करते हैं, जब मैं प्याज काट सकती हूँ तो प्यार भी कर सकती हूँ। लोग किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। घर का काम क्या कम है, दो दिन करेंगे दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। खाना बना नहीं, टाइम लगेगा। ये गैस किसने चालू किया? ये क्या हो रहा है? प्यास और प्यार में सिर्फ एक ही समानता है, दोनों आंसू देते हैं। प्यास काटना तुम्हें आता है, लेकिन प्यार के बारे में तुम्हें मैं सिखाऊंगी। तुम्हें कविता और प्यार मजाक लग रहा है ना? अब मजाक मजाक में तुम्हें मरना होगा। अभिनव प्लीज ओपन द डोर। अभिनव दरवाजा खोल यार। योर बैग इज लाइक अ लेडीज पर्स। इसमें से चाबी वाबी नहीं मिलने वाली। मिल गई, थैंक गॉड। फाइनली नवीन, ये अभिनव कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ, उसे फोन ही नहीं उठा रहा है। वो क्या यू नो व्हाट, भाग गई तुम्हारी बॉयफ्रेंड। तुम्हें प्यार है मुझसे कितना, समुंदर में है पानी जितना। ये देखो, हम लोग बाहर से कितना चिल्ला रहे थे, और ये महाशय शहजादे सलीम बन के यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं यार। डूड, आज तो रोमियो गई। चल मजे लेते हैं। हेलो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम, और फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से देखो फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, न फोन उठा रहे हो न कॉल बैक कर रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इश्क है फूल गुलाब का, इसे समझो नहीं महसूस करो। जब भी इश्क हो किसी से, उसे कभी ना अपने दिल से दूर करो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम, और कहाँ से निकली इतनी घटिया सी शायरी? क्या नॉनसेंस बुक पढ़ रहे हो, दिखाओ। God! लग गई मुझे। चले जाओ यहां से, जाओ। अभिनव बनकर यार ये नाटक, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात करता है क्या? ये कौन सी स्टूपिड सी बुक पढ़ रहा है तू, दिखा यार। नवीन यार, ये तो वही किताब है ना जो अनामिका के हाथ में थी, राइट? ये बुक तो वही है। बाय द वे, ये अनामिका कौन है? मेरे और मेरी किताब के बीच में मत आना, समझे तुम? शशांक, शशांक, ये अनामिका कौन है, और वो बुक उसकी है? प्यार एक समंदर है जिसमें डूबना पड़ता है।
यू नो अभिनव, मुझे भी ना पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली शायरी और गजल। प्यार में खुशी ना मिली ना सही, आंसुओं के सहारे ही जी लेंगे हम, तो क्या हुआ जो टूटा ये दिल, तेरी चाहत के धागों से सी लेंगे हम। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी किताब वापस दो। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा खोलो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या स्टुपिड सी बुक है, और इस बुक में क्या बचकानी सी शायरी लिखी हुई है। एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आया कि अभिनव को हो क्या गया, इसमें क्या पसंद आया उसे। ये बुक ना कचरा है, कचरा। और इस बुक की असली जगह है इस कचरे में। गाइस, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल तक मैं अभिनव को नॉर्मल कर दूंगी। प्लीज कर देना, अदरवाइज उसके कॉम्प्लिकेटेड शायरी की नरेशन सुनते सुनते मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट भाई, तुम मुझसे हिंदी में क्यों बात करता है? मुझे इंग्लिश आती है। व्हाई, तुझे लगता है कि मैं तेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी सीख जाऊंगी? गाइस, आज के लिए इतना काफी है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है, और मैं आज यहीं रुकूंगी। ओके, तुम ऊपर जाके मेरे कमरे में सो जाओ, आई विल शेयर हिज रूम। ठीक है, या गुड नाइट। गुड नाइट। चल। अरे शशांक, ये शशांक कहाँ गया? शशांक कहाँ है यार? शशांक, माला, माला ने डस्टबिन में फेंक दी। क्या डस्टबिन? मैं अपने प्यार से कैसे मिलूंगा अगर वो किताब मेरे पास नहीं होगी? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शशांक को ट्राई करता हूँ। हेलो शशांक। आई नवीन, बाद में बात करता हूँ यार, डिस्टर्ब मत कर। ये हो क्या रहा है? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शशांक बात नहीं कर रहा है, और अभिनव उस बुक के पीछे मैड है। मेरी किताब, मुझे मेरी किताब चाहिए। मैं क्या सुनाऊंगा उसे, मैं क्या सुनाऊंगा उसे जब वो मुझसे मिलेगी? क्या था,
क्या था वो? प्यार, प्यार एक समुंदर है जिसमें जिसमें डूबना पड़ता है। मुझे जाना होगा, मुझे मेरे प्यार के पास जाना होगा। देर हो चुकी है, वो मेरे कॉफी शॉप पे इंतजार कर रही होगी। नो वे, खुद को देख, ऐसे जाएगा तू? जरूरत पड़ने पे आशिक एक योद्धा भी बन सकता है। प्यार एक समुंदर है जिसमें जिसमें डूबना पड़ता है। जवाब दो शशांक, या एंगेजमेंट के कुछ हफ्ते बाद तुम मुझे भी भूल गए। हम आपको नहीं जानते। वो अपनी प्रेमिका के साथ में आए। प्रेमिका? आप लोग हमें अकेला छोड़ देंगे? ये सब इस बुक और इस लड़की की वजह से हुआ है। एक बुक इन लड़कों को इतना स्टूपिड कैसे बना सकती है? चलो यहां से, चलो चलो यहां से। अब तू यहां बैठ के क्या करेगी? चल तू भी। वो वापस आएंगे, सब वापस यही आते हैं। कोई मुझसे दूर नहीं रह सकता। इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिलेशनशिप, सब झूठ था क्या शशांक? तुम आए थे मेरे पीछे, शादी की विजिट तुमने की थी, और आज जब मैंने तुम्हें हाँ कर दिया तो तुम्हारा मन भर गया, और अब तुम अनामिका के पीछे पड़ गए हो। कौन है अनामिका और कब से चल रही है सब, बताओ मुझे। मुझे ये बुक दे दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम ये स्टूपिड बुक के पीछे पड़े हुए हो। देखो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल दो, पर इस बुक के खिलाफ एक शब्द मत निकालना तुम। ये बुक, ये बुक नहीं। शशांक, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुम उससे प्यार नहीं करते? तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? अरे नीरू, तुम कहाँ आई? तुम तो कल आने वाली थी ना? अनिल विजय, छोड़ो, तुम आ गई ना। थैंक यू, आई वाज मिसिंग यू यार। शशांक, आइंदा से ना ऐसा ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ मत करना, और उस नवीन को तो मैं देख लूंगी, उसकी हिंदी के साथ साथ उसकी इंग्लिश भी भुला दूंगी मैं। ओ नीरू, बस बस रिलैक्स, क्यों इतनी नाराज हो रही हो? हाँ इधर आओ। ये क्या है? ये क्या पहन रखा मैंने? एकदम जोकर लग रहा हूं ना? शशांक, एक बात बताओगे? पूछो। ये अनामिका कौन है? अनामिका? कौन अनामिका? अच्छा छोड़ो, लीव इट, यू रिलैक्स। सुनो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी हाथ की चाय नहीं पी है, प्लीज बना दो। ओके। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। देखिए, मुझे उस अनामिका के बारे में सारी बातें इन डिटेल्स जानना है। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था, आप सब प्लीज उससे दूर रहिए। इट्स इम्पोर्टेंट, प्लीज। क्या बात है, और कुछ पढ़ो ना मेरे लिए। शशांक, शशांक किससे बातें कर रहा है? प्यार जमी है, प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार ही है हर दिल के अंदर। ये
ये बुक क्या फिर से? मैंने तो इसे बाहर फेंक दिया, तो फिर इस बुक को तो मैं जला कर रहूंगी। मेरी बुक दो। बस बहुत हो गया, ये सारे फसाद की जड़ ये बुक ही है। अब तो मैं इस बुक को जला कर ही रहूंगी। परेशान करते हो तुम मुझे और मेरे प्रेमी को। शशांक बचाओ मुझे। तुम मेरे प्यार से जल्दी हुआ, अब चलोगी तुम। शशांक, शशांक बचाओ मुझे। शशांक बचाओ मुझे। शशांक, अभिनव बचाओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब सच सच बोलो प्लीज। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। एक दिन मैं अनामिका का पीछा करते हुए यहां तक आई, तो मैंने देखा मेरा फ्रेंड जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था वो अनामिका के साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ये घर एक राइटर का हुआ करता था जिनका नाम अंशुमन था। काफी साल पहले वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मारे गए। बस तब से ये घर खंडहर बन गया। ठीक है, तुम जाओ, और इतना बताने के लिए थैंक्स। ठीक है। हो ना हो, इस किताब का राज इस घर में ही मिलेगा। अब हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे। और ये है हमारा आशियाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी सारी कविताएं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरे सबसे प्रिय अंशुमन हो, सिर्फ मेरे अंशुमन।
पर शशांक कहाँ है? मैं आ रही हूँ। ये सारा प्रॉब्लम उस बुक से है और वो लड़की अनामिका वो कोई आम लड़की नहीं है। वो यंग लड़कों और आदमियों को मार उनकी लाइफ छीन लेता है। मैंने उस बुक और अंशुमन के बारे में फाइंड आउट किया। अंशुमन एक राइटर था जो बहुत साल पहले उस घर में रहा करता था। उसकी एक मैड लवर थी अनामिका जो उससे लव करती थी, लेकिन अंशुमन ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया और वो कहीं और शादी करने वाला था। इस सदमे में आकर अनामिका ने सुसाइड कर ली और मरने से पहले उसने एक बुक लिखा जिसे उसने अंशुमन को डेडिकेट किया। इसका मतलब कि अंशुमन ने अनामिका के प्यार के साथ साथ प्यार की दास्तान वो पोएट्री बुक भी रिजेक्ट कर दी और इसीलिए अनामिका की आत्मा भटक रही है। और जो भी लड़का उस बुक को पढ़ता है वो अनामिका का हो जाता है, जैसे कि अभिनव और शशांक तुम। नवीन, तुम्हें हिंदी ठीक से पढ़ने नहीं आती, शायद इसीलिए तुम बच गए। इसका मतलब इन सब मुसीबतों की जड़ वो बुक है। तो बस एक ही रास्ता बचता है, अगर हमें अनामिका को रोकना है तो उस बुक को खत्म करना होगा और इसके लिए हमें उस घर में जाना होगा। पहले दिन से तुम लोग मुझे और अनामिका को परेशान कर रहे हो, अब वक्त आ गया तुम लोगों को सबक सिखाने का। अभिनव क्या बोल रहा तू? अभिनव ये क्या कर रही है? वो मर जाएगी, छोड़ उसे। किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नवीन, नवीन बुक चला दो।